हेलो व्यूवर्स, तो आज हम लोग एक नया कैरेक्टर ख़रीदने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग सेंटिनो कैरेक्टर ख़रीदने वाले हैं। आप लोग को पहले से ही पता था, मेरे कम्युनिटी टैब के ऊपर आप लोग ने देखा ही होगा। लेकिन यह एक नई चीज़ हुई है, जैसे ही अपडेट आई है उसके साथ ही साथ हम लोग को एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिल गया है यहाँ पर। वैसे ये कैरेक्टर भाई गेम के अंदर कुछ लोग के पास अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कैरेक्टर मतलब गोल्ड के साथ भी हम लोग को ख़रीदने का एक ऑप्शन दिया गया है ये नए कैरेक्टर को। तो जो यार सेंटिनो नाम का जो कैरेक्टर था, जो अभी तक का मतलब सबसे ज़्यादा महंगा कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर अब सबसे ज़्यादा महंगा नहीं है। बल्कि ये वाला कैरेक्टर जो है, ओरियन नाम का जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा मतलब खर्चालू कैरेक्टर यही है अभी हाल में। तो ये कैरेक्टर को तो मैं ख़रीदने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो मेरे पास 13,000 गोल्ड है और इसके लिए चाहिए होंगे हम लोग को पूरे 30,000 गोल्ड। और मैं इतना सारा खर्चा कोई हालत से भी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यार अगर मैं डायमंड से ख़रीदूँगा तो भाई पैसे का खर्चा होगा, और अगर मैं गोल्ड से ख़रीदूँगा तो यार मेहनत ज़रा ज़्यादा लग जाएगी। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मैंने जैसा कहा था कि मैं सेंटिनो को ख़रीदूँगा, तो यार सेंटिनो 15,000 से डायरेक्ट 10,000 पर आ गया है और मेरे लिए इसको ख़रीदना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो वैसे यार ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, क्योंकि यार एक नया कैरेक्टर को ऐड करने के साथ साथ यार इन लोगों ने जो पुराना कैरेक्टर था हमारा सेंटिनो, जो 15,000 के अंदर हम लोगों को 15,000 गोल्ड के अंदर मिलता था, वो हमको मिलने वाला है अब सिर्फ और सिर्फ 10,000 के अंदर। तो मैं आसानी के साथ ख़रीद भी लूँगा इसे, और इसी के साथ साथ मेरे पास 3,000 और 405 जो गोल्ड हैं वो बचेंगे भी। वैसे मैं इसे ख़रीदना चाह रहा हूँ, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसके जो मतलब यार जो एक्स्ट्रा के जो डेटा है, यार जो कुछ भी आप समझ सकते हो, तो वो जो सोर्सेज है वो सोर्सेज डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। यार मेरा इंटरनेट अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन फिर भी तो मैं देखता हूँ यार कि डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ है वापस से जाके। तो यार डाउनलोड यहाँ पर अभी हाल में भी बता रहा है, लेकिन भाई ख़रीदना तो है ही हमको इसको। और मैंने इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ भी मैं इसको करने वाला हूँ, जैसे ही मैं इसे ख़रीदूँगा उसके बाद में मैं इसके साथ मतलब बहुत ही मस्त मस्त सी एसेसरीज इसको दूँगा। बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हम इसे डिज़ाइन करेंगे, और यार परचेज़ कर ही लूँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यार ये तो डाउनलोड होने से रहा। चलो यार मेरे ख्याल से अब इसको मेरे परचेज़ कर ही लेना चाहिए ज़्यादा वेट करे बिना। और यार वैसे क्या क्या नई नई चीज़ें आई है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन यार ये एक जो नई चीज़ आई है मतलब कि जो कैरेक्टर के साथ इन लोगों ने किया है, यार मेरे को ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि यार इतना महंगा कैरेक्टर है, पूरे 5,000 हमारे जो गोल्ड है वो बच जाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यार डायमंड इन लोगों ने कम नहीं किए, उसके डायमंड की जो प्राइस है प्राइस आज भी उतनी है, देख सकते हो। अगर डायमंड से कोई ख़रीदेगा तो मतलब उसका तो नुकसान ही है यार, सही में मतलब डायमंड से ख़रीदने के अंदर इसको नुकसान है और गोल्ड से ख़रीदने के अंदर फ़ायदा है। वाह यार, तो चलो हम लोगों ने इसको कर लिया है परचेज, इसको इक्विप भी कर लेंगे हम लोग, और देखेंगे भाई कि इसकी मतलब क्या एबिलिटीज़ है, ये किस तरीके का कैरेक्टर है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब हम लोग चेक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यार वैसे डाउनलोडिंग सोर्सेज के अंदर थोड़ा सा देर हो रहा है, तो ये तो होने वाला है नहीं वैसे। और देखो भाई ये है हमारा प्लेयर सेंटिनो। वैसे यार इसके कुछ कपड़े हमको अच्छे से मिल जाते थे यार, अच्छा रहता वैसे, लेकिन हम लोग इसको कुछ और कपड़े पहनाने वाले हैं। और यार सेंटिनो किस तरीके का इंसान है भाई, वैसे सेंटिनो एक फैशन डिज़ाइनर है भाई। यार इसको देख करके ही लग रहा था यार लड़कियों टाइप का दिखता है यार मतलब, तो भाई ये एक फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन ऐसे कपड़ों का बिल्कुल भी सेंस नहीं है, इसलिए हम लोग को इसको कुछ अच्छे अच्छे से कपड़े पहनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, वॉच लेते हैं, देख लेते हैं यार इसकी एज है 34 ईयर्स एज है, और बर्थडे भी कुछ इसका अजीबो गरीब सा है, 10 से 14 के बीच में बर्थडे आता है। तो चलो भाइयों देख देख। तो जैसा कि भाइयों मैंने आप लोग को कहा था कि इसको हम लोग ख़रीदने के बाद इसे मस्त से कपड़े पहनाएंगे, तो देख ही सकते हो यार इसके पास मतलब एक ज़ोरदार सा जैकेट है, एक मस्त ज़ोरदार सी पैंट है, और शूज़ भी हमने इसे दे दिए हैं, और जो हेड की वजह से ये बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप का लगता था वो हेड भी हमने हटा दिए। तो देख ही सकते हो यार कितना बढ़िया लुक आ रहा है इसका। तो यार वैसे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है मेरे हिसाब से, तो यार अच्छा ही कैरेक्टर है, क्योंकि यार अभी तक का जो अभी हाल में जो सबसे महंगा कैरेक्टर था अभी तक अपडेट से पहले वो यही है।